हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। एग्जामपुर परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका ये आज का जो छोटा सा सेशन है, ये है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो हम आज जानेंगे कि कौन सी योजना किसके किससे संबंधित है और कब इसकी शुरुआत की गई। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है और प्लस आपके जनरल जानकारी में के लिए भी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा आपके लिए, क्योंकि जितनी योजनाएं चालू की जाती हैं ये जनता के लिए चालू की जाती है, तो आपके लिए कितनी योजनाओं को कब चालू किया गया, कब इसकी शुरुआत की गई, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसके तहत गैस सिलेंडर यानी कि गैस सिलेंडर धुआं मुक्त बनाने के लिए गैस सिलेंडर का वितरण किया गया था। तो इसकी शुरुआत 1 मई कब, तो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, वहां से की गई थी। इसके दूसरे चरण की शुरुआत जो की गई वो भी उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई थी। और इसमें गैस सिलेंडर वितरण योजना के तहत ये चालू की गई थी। इसमें रसोई गैस सिलेंडर मुक्त दिया जाता था महिलाओं के लिए, धुआं मुक्त मनाने के लिए। चलते हैं दूसरी योजना की तरफ। तो दूसरी योजना की शुरुआत जो की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसको 22 जनवरी 2015 से शुरू किया गया। और कहां से शुरू किया गया, तो पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत पानीपत हरियाणा से, इसलिए कि हरियाणा का लिंगा अनुपात सबसे कम है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से की गई। अब हम बात करते हैं तीसरी योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई और लक्ष्य रखा गया कि वर्ष 2022 तक सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे। ठीक है, तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना। अब हम चलते हैं चौथी योजना है, तो चौथी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो 19 फरवरी 2016 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसमें स्वस्थ धरा खेत हरा के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो सबसे बड़ा खाता खुला था इसमें, मतलब कि सबसे ज्यादा खाता खोलने का रिकॉर्ड इसमें बना था। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत जो की गई वो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। अगला सौभाग्य योजना की बात करेंगे, तो सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई, तो 25 सितंबर 2017 को की गई। और इसमें प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी। हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। सातवीं योजना है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 31 मई 2019 को की गई थी। मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसमें था कि 18 से 40 वर्ष तक रजिस्ट्रेशन करने की उम्र इसकी 18 से 40 वर्ष तक थी और 60 वर्ष के बाद किसानों को पेंशन देने की योजना इसमें बनाई गई थी। बात करते हैं आठवीं की, तो स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। दो अक्टूबर गांधी जी की जयंती से 2014 में इसकी शुरुआत की गई और इसका लक्ष्य जो रखा गया था 2 अक्टूबर 2019 रखा गया था स्वच्छ भारत मिशन योजना का। अब हम बात करेंगे आज की नई योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये कब शुरू की गई, तो 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू की गई थी। इसमें बीमा दिया जाता था। ठीक है, तो सुरक्षा बीमा योजना थी, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई थी। अब हम बात करेंगे आज की आखिरी योजना यानी कि दसवीं योजना की, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को युवाओं को कौशल यानी कि सक्षम बनाने के लिए, कौशल में सक्षम बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। ठीक है, तो आज की ये प्रमुख योजनाएं थी जो बहुत जरूरी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल जानकारी के भी लिए बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।